किसान और गाय। एक श्याम नाम का किसान था, उसके पास एक गाय भी थी। वो गाय उसे बहुत दूध देती थी, पर एक दिन वो गाय बीमार हो गई, इसीलिए श्याम ने उसे घर से निकाल दिया। तो गाय रास्ते में चलते चलते वहाँ पर गिर गई, और वहाँ पर एक राम नाम का किसान आया और उसे उठा, उस गाय को उठाकर वहां से ले गया। थोड़े दिन बाद वो गाय ठीक हो गई और उसने बहुत सारा दूध दिया, और फिर उसका दूध बेच के राम बहुत ज्यादा अमीर बन गया। जब ये बात श्याम को पता चली तो फिर वो उसके घर आ गया उससे झगड़ने। लेकिन पहले तो मेरी थी, लेकिन ये तो मुझे जंगल में मिली थी ना, लेकिन ये गाय मेरी है। चलो इसका फैसला मुखिया जी के घर में होगा। मुखिया जी देखिए, इसने मेरी गाय मुझसे छीन ली। नहीं, इसने मेरी गाय मेरे से छीनी है। मुखिया जी ये मेरी गाय है। नहीं ये मेरी गाय है। नहीं ये मेरी है। बस करो तुम दोनों। ये गाय जिसके पास जाएगी वो गाय उसकी होगी। मेरी प्यारी गौरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई से हम सबके दिल जीत सकते हैं। धन्यवाद।